हमास का सबसे खूंखार, सबसे खतरनाक और सबसे शातिर मुखिया याया सिनवार भी इजरायली हमलों में ढेर हो गया है। इजरायली सेना ने बड़ा दावा कर ईरान समर्थित प्रॉक्सी गुटों को बड़ा झटका दिया है। याया सिनवार की मौत हमास के लिए भी बड़े धक्के से कम नहीं है। इजरायल ने हमास चीफ याया सिनवार को मारकर गाजा युद्ध में अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की है। याया सिनवार बीते साल 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमास हमले का मास्टरमाइंड बताया जाता है। अब तक गाजा की सुनसान सुरंगों में छिपकर रहने वाला सिनवार आखिरकार इजरायली सेना के हत्थे चढ़ गया। दावा है कि राफा में इजरायली सेना ने एक ड्रोन से उसकी पहचान की, फिर इमारत को जबरदस्त धमाका कर जमीन दोज कर दिया। बताया जाता है कि मलबे से सिनवार का शव बरामद किया गया। उसकी पहचान करने के लिए इजरायली सेना ने DNA, डेंटल रिकॉर्ड्स और फिंगरप्रिंट्स का सहारा लिया। इतना ही नहीं, इजरायल ने हमास चीफ के आखिरी वक्त का वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें दावा किया गया है कि सिनवार सोफे पर बुरी तरह जख्मी हालत में बैठा दिख रहा है। दरअसल इजरायली सेना ड्रोन के जरिए खंडहर इमारतों को खंगालती नजर आ रही है। इसी दौरान एक ड्रोन इजरायली हमलों से क्षतिग्रस्त हुई इमारत की दूसरी मंजिल में दाखिल होता है, जहां की दीवारें बमबारी और गोलाबारी से बुरी तरह तबाह हो चुकी हैं। इस बीच ड्रोन ने इमारत के अंदर एक घायल व्यक्ति को देखा, जिसका चेहरा ढका हुआ था। वो कमरे में मलबे के बीच एक सोफे पर बैठा हुआ था और उसके हाथ में एक छड़ी थी। वीडियो में देखा जा सकता है कि हमास नेता का दाहिना हाथ बुरी तरह घायल है और वो सोफे से हिल भी नहीं पा रहा है। जब ड्रोन उसके करीब पहुंचता है तो उसने छड़ी को फेंक कर ड्रोन को गिराने की कोशिश की। दावा है कि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि याया सिनवार ही था, जो मौत से चंद मिनटों पहले भी इजरायल से संघर्ष करता नजर आया। दावा है कि ड्रोन फुटेज के बाद इजरायली सेना ने तुरंत बिल्डिंग पर हमला कर सिनवार को मार गिराया। बताया गया कि इजरायली सेना ने निगरानी ड्रोनों से 3 लोगों को एक इमारत से दूसरी इमारत में ठिकाना बदलते हुए देखा। इससे हरकत में आए जवानों ने तुरंत सटीक हमला किया, जिससे वो आपस में बिछड़ गए। 2 एक साथ मिलकर एक इमारत में छिप गए, वहीं तीसरा शख्स अलग इमारत में घुस गया। इन्हीं को ढूंढने के लिए इजरायली सेना ने अपना ऑपरेशन चलाया और इमारतों को टैंकों से जमींदोज करने की कोशिश की। दावा है कि इन्हीं हमलों की चपेट में आया सिनवार मलबे में दब गया। इस पर इजरायली PM ने अपनी फौज की जमकर तारीफ की। नेतन्याहू ने कहा कि ये जीत चाहे जितनी बड़ी हो, ये युद्ध का अंत नहीं है। हमने एक बार फिर साफ कर दिया है कि हमें नुकसान पहुंचाने वालों का क्या होता है। आज हमने एक बार फिर दुनिया को बुराई पर अच्छाई की जीत दिखाई है।